गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन हल बादल उप्रीति गाइस आप लोगों ने एक चीज नोट करी होगी मैं मेरा फिटनेस चैनल है तो मैं फिटनेस से रिलेटेड हमेशा वीडियो बनाता रहता हूं फिटनेस इंडेसी को कोशिश करता हूं कि थोड़ा सा मुझसे जितना हो सके मैं उसको इम्प्रूवमेंट करूँ या हम मेरी बीच में कंट्रोवर्सी भी चली थी तो कंट्रोवर्सी में भी मैंने एक ही चीज़ को फोकस किया था कि मैं एथलीट को सपोर्ट करूं और एथलीट के लिए कुछ ऐसा करूं जिससे कि एथलीट को थोड़ा सा फ़ायदा पहुंचे क्योंकि हमारी फिटनेस इंडस्ट्री में uh, 80 परसेंट बंदे ऐसे होते हैं जो बहुत गरीब uh, तबके से होते हैं और मतलब उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो अपना जो है बॉडी बना सकें या कहीं भी चैम्पियनशिप में खेल सकें एक uh, इस इंडस्ट्री को एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सकें तो उसके लिए मैं अपनी तरफ से कोशिश करता रहता हूँ हेल्प करने की इवन मैं अपनी ऑनलाइन ट्रेनिंग भी देता हूँ तो उसमें भी मेरा एक ही रहता है कि मैं कम से कम प्राइस में जो है बच्चों को जो है कोशिश करता हूँ तैयार करने की उससे ये होता है कि गरीब से गरीब भी बच्चा भी तैयार हो जाता है अभी ऐसा नहीं है कि मैं फ्री में तैयार करूँ क्योंकि मेरा भी अपना भी घर है भाई तो ऐसा मेरा कोशिश रहता है लेकिन आज मैं बात करने वाला हूँ जिम ओपनिंग के ऊपर कि गवर्नमेंट ने आपने एक चीज़ नोट करी होगी कि गवर्नमेंट ने सब चीज़ें ओपन कर दी हैं आपने देखा होगा मतलब अनलॉक वन स्टार्ट हो चुका है तो जब हमने लॉकडाउन हुआ था तो लॉकडाउन में कुछ हद तक हमने जो है एक अपनी बॉडी को बचा के रखा था आई मीन घर पे हम वर्कआउट कर रहे थे सब कुछ कर रहे थे क्योंकि ये जो एक वायरस है ये सबके लिए मुसीबत है ये हमारे लिए नहीं पूरे वर्ल्ड के लिए मुसीबत है हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं बट जब अनलॉक वन स्टार्ट हुआ तो अनलॉक वन में गवर्नमेंट ने पैसा कमाने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें करी हैं जो हमारी हमको गवारा नहीं है मैं काफ़ी टाइम से ये चीज़ सोचता आ रहा हूँ अब आप मुझे आप एक बात बताइए जब हमने लॉकडाउन धीरे धीरे खोलना स्टार्ट किया था सरकार की बात कर रहा हूँ मैं सरकार ने जब लॉकडाउन खोलना स्टार्ट किया था धीरे धीरे तो सबसे पहले उसने जो है दारू की दुकानें खोलनी स्टार्ट करी पेट्रोल के रेट थोड़ा सा बढ़ा दिए पेट्रोल पंप तो खैर पहले से खुले थे पेट्रोल के रेट बढ़ा दिए उससे क्या है उनकी आमदनी स्टार्ट हो गई है बट आप मुझे एक बात बताइए गाइस कि जब हम बात करते हैं मोदी जी की तो मोदी जी ने अपनी एक मुहिम चलाई थी कि फ़िट इंडिया और पढ़ेगा बच्चा तभी तो बनेगा इंडिया ऐसा उनकी एक मुहिम थी तो फिट इंडिया में कौन सी चीज़ को फॉलो कर रहे हो मैं सभी को ये बात बोलना चाहता हूँ कि मेरी बात हो सकता है आपको बुरी भी लगे लेकिन मैं सही बात बोलता हूँ अगर किसी को बुरी लगे तो वो अपने घर में रहेगा मैं अपने घर में मुझे किसी की बुरी किसी को खुश करने नहीं जाना है मुझे सिर्फ़ अपनी फिटनेस सेंडेसी के बारे में बोलना है जो सही है मैं वो सही बोलूँगा और मैं किसी की किसी से डरता नहीं हूँ कि मैं ये बात बोल दूँगा अगर मैं सच बोलूँगा और मुझे ऐसा प्रॉब्लम हो जाएगा तो मेरी सेहत पर फ़र्क नहीं पड़ता भाई कोई कुछ भी बोलता रहे तो मैं बात कर रहा हूँ कि मोदी जी ने एक मुहिम चलाई थी कि फ़िट इंडिया हिट इंडिया ऐसा कुछ मुहिम चलाया था कि सारे लोग फिट होने चाहिए पार्कों में जाके योगा वगैरह करना ये बहुत सारी चीज़ें उन्होंने स्टार्ट करी थी तो उसमें उन्होंने कई चीज़ें ऐसी भी करी थी उसके लिए उन्होंने कुछ फाइनेंशली भी सपोर्ट करने की कोशिश की थी लेकिन मुझे आप एक बात बताइए कहाँ से फ़िट इंडिया हिट इंडिया अब कहाँ से रह गया फिट इंडिया हिट इंडिया कोरोना ने सारी चीज़ों को ख़त्म कर दिया अब अगर आप पैसा कमाने के लिए आप बाकी चीज़ों को क्यों खोल रहे हो आप बाकी चीज़ें आप सारी शॉप खुल चुकी हैं सब कुछ खुल चुका है इवन मैं दिल्ली की बात करूँ तो केसरीवाल जी ने सब कुछ खोल दिया है सिर्फ क्या नहीं खुला है पार्क नहीं खुले छोटे मोटे पार्क ये भी पार्क मेरे घर के बगल में है तो मैं थोड़ा सा क्या है छुप छुपा के यहाँ पर आके थोड़ा सा जो है वर्कआउट कर लेता हूँ पार्क सारे पार्क बंद हैं और सारे जिम बंद हैं सबसे बड़ी बात तो जिम की बात करता हूँ आप हमेशा बात करते हो कि गरीबों को जो है सहायता मिलनी चाहिए मज़दूरों को सहायता मिलना चाहिए आप क्या जिम वालों को बहुत बड़ा पैसे वाला समझते हो आप क्या समझते हो कि जिम जिम वालों के पास बहुत सारा पैसा है भाई मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि जिम एक ऐसी चीज़ है फिटनेस एक ऐसी चीज़ है कि इसमें लाखों रुपये लग जाते हैं बच्चों के और वो कहाँ कहाँ से जिस बेचारे ने जिम खोला है उसने किसी ने अपनी बीवी का गहना बेचा है किसी ने अपनी ज़मीन बेची है थोड़ा सा जमीन बेच के उसने इस तरीके से जिम ओपन किया है और कितना कितना उनको रेंट भरना पड़ता है बेचारे पूरी मेहनी मेहनत कर करके कभी किसी को ट्रेनिंग दे के कभी इधर से पैसा थोड़ा बहुत सप्लीमेंट से कमा के तब वो अपना घर का जो है भरण पोषण करते हैं अपने बच्चों का जो है पालन अपने बच्चों को पालते हैं अब मुझे बात बताइए सारे मजदूरों के लिए सारे बड़े बड़े हीरो सारे बड़े बड़े लोग जो है इकट्ठे हो गए हैं उनको जो है हेल्प करने लगे हैं उनको उनके घर तक छोड़ने लगे हैं लेकिन हमारा कोई नहीं है इस फिटनेस इंटसी का कोई नहीं है मतलब आदमी को एक शर्म होती है कुछ तो शर्म करनी चाहिए मोदी जी मैं आपको बोलता हूँ आपको कुछ तो शर्म करनी चाहिए इतनी शर्म तो करो कम से कम आपको हमें मालूम है कि आपको जहाँ से फ़ायदा होगा आप उस चीज़ को जल्दी खोलोगे इवन मैं सबकी बात यही कर रहा हूँ मैं केजरीवाल जी की बात कर रहा हूँ मैं अगर केंद्र में बोलो तो मैं केंद्र में मोदी जी को सपोर्ट करता हूँ और अगर स्टेट में बोलो तो स्टेट में मैंने खुद जो है केजरीवाल जी को वोट दिया हुआ है लेकिन केजरीवाल जी क्या आप अपने फ़ायदे के लिए ही सोचते हो आप गवर्नमेंट को पैसा कहाँ से आएगा उसी के बारे में सोचोगे इसके अलावा किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचोगे आप मुझे बताइए कि हम लोग कहाँ जाएंगे ये फिटनेस इंडस्ट्री कहाँ जाएगी इतने बड़े बड़े लेवल पे बंदों ने जो है इतने सालों से आपको पता है ये बॉडी कैसे बनती है कई कई साल लग जाते हैं इस बॉडी को बनाने में इसमें लाखों रुपए लगता है और बॉडी में इतना ज़्यादा हम पेन सहन करते हैं इतना ज़्यादा हमें दर्द होता है अभी भी देखिए मेरे मेरा लेग जो है इंजर्ड हो रहा है लेकिन मैं फिर भी वर्कआउट करने के लिए आऊँ तो इतना कितना पेन हम सहन करते हैं सहन करने के बाद हम ये बॉडी को बनाते हैं और कितने सालों की मेहनत होती है एक या दो महीने का गेम नहीं है कोई ऐसा नहीं है कि एक महीने दो महीने में आपकी बॉडी तैयार हो जाएगी आजकल पॉलिटिक्स में किसी को घुसना है तो पॉलिटिक्स में वो अनपढ़ रह दो गवार रहने दो कोई जाहिल रहो या फिर उसको थोड़ा बहुत क्या है बकवास करनी आनी चाहिए कोई तड़ी पार है कोई कुछ है तो वो पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा आ जाता है बहुत जल्दी आ जाता है और अनपढ़ गवार से मत हमारे देश में तो ये पहले से रीति चली आई है कि अगर अनपढ़ गवार भी है तो पॉलिटिक्स में अच्छा खासा पैसा कमा लेता है लोगों को बेवकूफ़ बना के आप दुनिया भर का पैसा आपको जो है मिल रहा है दुनिया भर की सेलिब्रिटीज़ दुनिया भर के लोगों ने आपको जो है आपके राहत को उसमें जो है पैसा डाला हुआ है लेकिन आप क्या उस पैसे को सही जगह इन्वेस्ट कर रहे हो पाँच पाँच सौ रुपये अगर आपने किसी को दे दिया तो एहसान कर दिया आपने आप मुझे बताइए पाँच सौ रुपये से घर चल जाता है आप इतने सारे लोग हैं इतनी फिटनेस इंडस्ट्री में लोग हैं वो कहाँ जाएंगे चार महीने होने वाले हैं चार महीनों से उन्होंने रेंट नहीं भरा है उनकी बॉडी ख़राब हो चुकी है वो लाखों रुपए लगा के बॉडी बनाते हैं कई कई साल लग जाते हैं इस बॉडी बनाने में ये ऐसा नहीं कि एक महीने दो महीने का गेम है एक या दो दिन का गेम है कि आपने खाया और बॉडी बना ली आपको कितना पैसा इसमें लगाना पड़ता है आपको अभी आप कभी इस इंडस्ट्री में आओगे तो आपको पता लगेगा कितने महंगे सप्लीमेंट्स होते हैं कितने महंगे इनके गेयर चलते हैं और कितने महंगे किस तरीके से बॉडी कितना पेन सहन करना पड़ता है कितने घंटे घंटे हम वर्कआउट करते हैं आप कभी फिटनेस इंडस्ट्री में आओ तो आपको पता लगेगा लेकिन ये वो लोग नहीं समझ सकते जो जिनको जो जैसे पॉलिटिशियन हैं ये वो लोग नहीं समझ सकते आप लोग बिल्कुल भी नहीं समझोगे इस बात को तो मैं मोदी जी से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि मोदी जी बहुत सारी बकवासबाजी हो जाती है मैं अगर आप हमको सपोर्ट नहीं करते तो मुझे बहुत सारी लोग ये बोलते हैं कि आप बहुत फेंकते हो तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि वाकई में आप सचमुच में बहुत फेंकते हो आप फेंको मत आप करके दिखाओ अगर आप फिटनेस इंडस्ट्री को नहीं बचा सकते तो आप ये फिट इंडिया हिट इंडिया को छड़ा, हटा दो यहाँ से और ये बकवासबाजी करनी बंद कर दो आप क्योंकि आपके बस के मुझे लगता नहीं है कि अभी कुछ हो पाएगा चार महीने से जिम बंद है चार महीने से आप जिस चीज़ से आपकी इंटेंस आपकी जो इंटेंसिटी है आपकी जो इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है वही चीज़ बंद है दारू की दुकान आपने खोली हुई मुझे आप ही बताइए दारू की दुकान से क्या इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है आप मुझे बता दो कहाँ पर और जब करोना बिल्कुल एक, एक एक लेवल पे था आपने उसके बाद क्या करा उसको एक पीक पे लेके आ गए वो कौन लेके आया पीक पे आप ही लेके आए अगर आप दारू की दुकान नहीं खोलते तो क्या पीक पाता लोगों ने किस तरीके से वहाँ पर लाइन लगा के पेटिया पेटिया ले जाके किस तरीके से ब्लैक में किस तरीके से उन्होंने काम करना स्टार्ट किया तो आप आपको क्या लगता है कि लोग बेखूब हैं आपको नेक्स्ट टाइम सपोर्ट करेंगे या आपको वोट देंगे जब आपको वोट की ज़रूरत होती है तो आप कटोरा लेके आ जाते हो सामने भीख मांगने के लिए कि भाई भीख दे दो भीख दे दो घुटनों में लेट जाते हो ऐसे ऐसे मैंने आपके नेता लोग देखे हैं जो कि घुटनों में लेट जाते हैं अपने मतलब के लिए मतलब इतना गिर चुके हो आप लोग इतना गिर चुके हो हम एथलीट हैं हम इंडिया का नाम रोशन करते हैं हम इस लेवल पर इस उसको आप बॉडी बिल्डर को कहाँ से सपोर्ट कर रहे हो आप जिम वालों को कब सपोर्ट करते हो कभी भी कोई भी जिम वालों को सपोर्ट नहीं करता क्यों क्योंकि हमसे फ़ायदा ही नहीं है आप लोगों को बट ऐसा आपकी सोच गलत है हमारे पास ऐसी चीज़ है मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि इंडिया को आप अमेरिका मत बनाओ जिस दिन इंडिया अमेरिका बन गया तो आप हाथ जोड़ के घुटने पर आ जाओगे और हम अगर प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिए तो आपकी पुलिस भी हमें रोक नहीं पाएगी क्योंकि आपको एक चीज़ बता दूँ वी आर नॉट कॉमन मैन हम बॉडी बिल्डर एक बॉडी बिल्डर छः छः आठ आठ पर भारी होता है आपको मैं बता दूँ इतनी पावर होती है हमारे अंदर कि छः छः आठ आठ पर भारी होता है तो आपकी पुलिस भी हमें नहीं रोक पाएगी अगर हम प्रोटेस्ट पर आ गए तो इसलिए हम अपनी रिस्पेक्ट करते हैं हम वी आर डिसिप्लिन हम डिसिप्लिन में रहना जानते हैं आप जो भी रूल्स रेगुलेशन बनाते हो फिटनेस इंडस्ट्री के लिए उसको फॉलो करेंगे और गाइस आपको एक चीज़ और बता दूं अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं अपने फ़ायदे के लिए सोच रहा हूं तो अपने फ़ायदे नहीं मैं फ़िटनेस इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ क्योंकि भैया ना तो मेरा जिम है ना मेरे को इससे कोई फ़ायदा है मैं तो अपनी बॉडी बनाता हूँ अपनी बॉडी वो करता हूँ ऑनलाइन ट्रेनिंग देता हूँ मेरा जिम से कोई रिलेशन है नहीं मेरा तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ आपने दारू की दुकान खोल दी बेड़ों को क्या बेड़ों को आप क्या बेड़े झंडा लहराने वाले हैं इंडिया का कहीं बाहर जाके झंडा लड़ा आज तक कितने बेवड़े हैं मुझे आप बता दो कितने दारूबाज हैं जिन्होंने कि आज तक देश के लिए कुछ किया है सिर्फ अपनी फैमिली को बर्बाद किया होगा अपनी फैमिली का नाम रोशन किया होगा अपनी इज्जत खराब की होगी यही काम किया होगा इसके अलावा कुछ नहीं किया होगा आप बता दो अगर एक भी ऐसा दारू वाला है जिसने देश का झंडा लहराया हो और हमें बोली हम कितने एथलीट हैं कितने बॉडी बिल्डर हैं जो देश का झंडा लहरा के आए हैं देश का नाम रोशन करके जब हम तिरंगा लहराते हैं और इंटरनेशनल चैम्पियनशिप हैं तो तिरंगा हमारे देश का तिरंगा वहाँ पर झूमता है मुझे मालूम है गोदी मीडिया भी इसको नहीं दिखाएगी उसका रीज़न ये है क्योंकि गोदी मीडिया को चाहिए उस इनके पास पांच न्यूज़ फिक्स है पाकिस्तान चीन इंडिया कोरोना एंड मोदी पांच न्यूज़ उनकी फ़िक्स हैं वो पांच न्यूज़ ही उन्होंने दिखानी है मैं सच बताऊं तो कभी कभी तो मैं इरिटेट हो जाता हूँ न्यूज़ देख के सोचता हूँ आज कुछ करोना के ऊपर कुछ न्यूज़ मिलेगी देखने के लिए लेकिन मिलता क्या है यही पाँच टॉपिक कहाँ कहाँ से पता नहीं इंटरनेट से निकाल निकाल के वो वीडियो दिखाते रहते हैं उस पर म्यूज़िक डाल देते हैं खाली बेकू बना आज तक किसको दिखाया आपने एक छोटी सी चीज़ को आप वायरल कर देते हो अगर छोटी सी कोई बात होती है तो उसको वायरल कर देते हो आपने कभी ये दिखाया कि जिम वाले कितने परेशान हो रहे हैं भूखे मर रहे हैं उनके बच्चे भूखे मर रहे हैं उनके पास पैसे नहीं हैं चार चार महीने से रेंट नहीं भरा है उन्होंने या तो अपने राहत को उसमें से आप उनको पैसा दो उनको पूरा पैसा जो जितना उनका नुकसान हुआ वो नुकसान भरो उनका और अगर आपकी हैसियत नहीं है मेरे को मालूम है ये तो आपकी हैसियत है ही नहीं आपके हैसियत से बाहर है क्योंकि आप नहीं भर सकते उतना पैसा भैया एक एक लाख रुपए ख़र्चा होता है हमारा बॉडी बिल्डर का एक महीने का एक नॉर्मल बॉडी बनाने के लिए भी पचास हज़ार रुपये जिम में चाहिए ये हैसियत नहीं आप लोगों की और आप लोग इस तरीके से अगर करोगे हमारे साथ तो वो दिन दूर नहीं होगा जब हम प्रोटेस्ट पर उतर जाएंगे और आपकी बैंड बजा देंगे फिर आपकी पुलिस भी हमें नहीं रोक सकती तो आपको मैं प्यार से बोल रहा हूँ कि आप जो है प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए क्योंकि तो हम ही एथलीट ऐसे हैं जो देश का नाम रोशन करेंगे हम ही ऐसे सबसे बड़ी बात यह है कि आपने जिम बंद रखें आपको तो फ़र्क पड़ेगा नहीं क्योंकि आपके तो जितने भी मंत्री हैं जितने भी संतरी हैं सबके पेट बाहर हैं वो साले खुद फिट नहीं हैं तो दूसरों को क्या फिट करेंगे वो क्या जानते हैं फिट इंडिया हिट इंडिया उनको क्या पता सालों को कि फिट इंडिया हिट इंडिया क्या होता है हमसे पूछो कि ये पेट को अंदर करने के लिए हम कितनी मेहनत करते हैं ये बॉडी को बनाने के लिए हम कितनी मेहनत करते हैं कितने कितने लाखों रुपए एक बॉडी बनाने के लिए कम से कम छः से सात साल लग जाते हैं एक नॉर्मल बॉडी को मेंटेन बनाने के लिए छः से सात साल लग जाते हैं और पच्चीस पच्चीस बीस बीस साल से बंदे बॉडी बना रहे हैं अपनी जिसने बीस साल से मेहनत की है बीस साल से मेहनत की और इस स्टेज पर पहुँचा चार महीने में आपने उसकी बॉडी को ख़त्म कर दिया बिल्कुल एकदम मैं मानता हूँ एक महीना दो महीना आप मेंटेन एक महीना दो महीना आप बंदा मेंटेन कर लेते हैं लेकिन चार महीने होने वाले हैं चार महीने से हमने जिम की शकल नहीं देखी है हम जिम नहीं जा रहे हैं जिम बंद हैं क्लोज हैं जैसे हो गया जैसे पाकिस्तान इंडिया का बॉर्डर में होता है ऐसे इस तरीके से हो चुका है तो हम क्या करेंगे बताओ क्या करेंगे देखो मैं आपको एक चीज सिंपली बता दूं एथलीट जितने भी होते हैं ये अपनी जान को जोखिम में रख के जो है बॉडी बनाते हैं हमें परवाह नहीं होती हमारी जान की जितने भी एथलीट होते हैं ऐसी ऐसी चीज़ें लेते हैं स्ट्रॉयड ड्रग्स बहुत सारी चीज़ें सप्लीमेंट्स ऐसे ऐसे सप्लीमेंट्स लेते हैं जिससे उनकी जान तक चली जाती है वो अपनी जान की परवाह ना करके बॉडी को बनाते हैं अगर वो अपनी जान की परवाह नहीं करते हैं बॉडी को बनाते हैं तो आपको लगता है कि वो डरेंगे आपको देख के या आपकी पुलिस को देख के अगर हम रोड पर उतर गए और हमने सचमुच में प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया तो ये अमेरिका बन जाएगा फिर आप कुछ भी करो हम रुकने वाले नहीं होंगे तो इसलिए आपको हम प्यार से बोल रहे हैं कि आप हमारा जिम को खोलिए हमारी फीलिंग्स वो समझिए हमारे बच्चे मर रहे हैं हमारे भूख से मर रहे हैं किसी के पास पैसा नहीं है फिटनेस इंडस्ट्री बर्बाद हो चुकी है चार महीने होने वाले हैं किसी के पास सबसे पहले आपने जिम बंद करा था जब कोरोना लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था सबसे पहले आपने जिम बंद करा था और आज तक जिम नहीं खुला है कितने लोग रिक्वेस्ट कर चुके हैं कितने कुछ बोल चुके हैं कितने वीडियोस बन चुके हैं कितने रिक्वेस्ट कर चुके हैं लेकिन आपके कुछ आँख पे आपके कान में जो है जू तक नहीं रह रहा है ऐसा क्यों जब वोट की बात आएगी तो तब आपको फिटनेस इंडस्ट्री याद आ जाएगी फिर आप कहोगे नहीं जी सबको बुलाओ ये बुलाओ तो ऐसा क्यों हो रहा है आप मुझे बताइए आपने कौन सा अगर आप कोई भी सिस्टम बना तो मैं कहता हूँ आप जिम खोलो सिस्टम बनाओ उसमें आप उस पर सिस्टम बनाओ कि भाई स्क्रीनिंग होनी चाहिए सबकी या फिर सैनिटाइजिंग होनी चाहिए सबकी जब भी कोई जिम के अंदर एंटर करे तो उसको ऐसा प्रोसेस रखो डिस्टेंस मेंटेन करो जहाँ पर पहले पचास लोग करते थे वहाँ पर सिर्फ दस लोग ही करेंगे आप इस तरीके से करो भाई हमें अपनी जान की पड़ी है हम इतने बेल इतने ऐसे भी इतने भी बेगैरत नहीं है कि हम मरने के लिए ज़बरदस्ती जिम जाएंगे हमको मालूम है हमें कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है अगर हम अपने को स्ट्रायड ड्रग से प्रोटेक्ट कर सकते हैं तो हम अपने कोरोना से भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं और हमारी इम्यूनिटी से ज़्यादा स्ट्रांग होती है कि हम हमको कोरोना वैसे भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता तो इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के लिए लाखों करोड़ों कितने जिम हैं दिल्ली के अंदर और कितने जिम हैं इंडिया के अंदर आपको पता है एक जिम के अंदर कितने कितने बंदे काम करते हैं पाँच से लेकर पच्चीस तक एक एक जिम के अंदर काम करते हैं अब आप बीस के हिसाब से भी आप लगा लीजिए कितने जिम हैं हज़ारों लाखों जिम है खाली दिल्ली दिल्ली के अंदर पूरे देश में अगर आप कैलकुलेट करोगे तो कितनी है तो कितनी बेरोजगारी बढ़ गई है लोग अपने घर में बैठे हुए बार बार की शॉप आपने खोल दिए है सारे मॉल्स आपने खोल दिए सब जगह खोल दिए अपने पूजा स्थल खोल दिया अपने मंदिर मस्जिद सब जगह खोल दिया आपने वहाँ पर आप बड़े बड़े नियम बना रहे हो हमारे लिए क्यों नियम नहीं है हमारे लिए क्यों नियम नहीं है आप मुझे बताओ हमारे लिए हमारा जिम क्यों नहीं ओपन हो रहा है मुझे इसका आंसर चाहिए नहीं तो फिर मैं आपको लिए आप फिर यहाँ पर एक ऐसा वीडियो बनाऊँगा जो बहुत ज़्यादा वायरल होगा और वो वायरल होगा उससे आपको दिक्कत हो जाएगी हम प्रोटेस्ट करेंगे आज अभी पेशेंस क्या है हमारा ख़त्म हो चुका है हम बहुत टाइम से पेशेंस में हैं हम रुके हुए हैं कि अब हमारा जिम खुलेगा तब हमारा जिम खुलेगा अब हमारा जिम खुलेगा बट ये बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है हर चीज़ तो केसरीवाल जी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज़ हमारा जिम खोलिए नहीं तो ये दूसरा अमेरिका बन जाएगा दिल्ली दूसरा अमेरिका बन जाएगा यहीं से स्टार्ट होगी क्योंकि दिल्ली के लोग ही सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं पढ़े लिखे समझदार सबसे ज़्यादा दिल्ली के अंदर हैं और पूरे देश में हमारा ऐसा नहीं कि जितने भी पर, पूरा देश है पूरे देश में भी हमारे गरीब से लेके अमीर लोग तक सब जिम जाते हैं सब जो फ़िटनेस हैं वो भी और जो फिटनेस रखना चाहते हैं अपनी बॉडी को हर कोई हर घर से कोई ना अगर घर में चार बंदे होंगे तो चार में से तीन जिम जाने वाले हैं तो आप सोचिए कहाँ आपकी रह गई हिट इंडिया फ़िट इंडिया तो आपने सबसे पहले हमें प्रोटेस्ट करना है आई I मीन mean हमको प्रोटेक्ट करना है हमारा जिम खोलना है और हमें जो है सपोर्ट करना है गाइज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करो इतना वायरल करो कि ये मोदी तक भी पहुँच जाए ये केजरीवाल जी तक भी पहुँच जाए इसको केसरीवाल जी को टैग करो इसको मोदी जी को टैग करो और प्लीज़ अगर हमारी बात नहीं सुनी जाती तो फिर हम बताएंगे कि हम बॉडी बिल्डर्स एथलीट क्या हैं आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आपने इसको सब्सक्राइब करना इसमें लाइक बटन है बेल आइकन उसको सेट कर दीजिए सो दैट जो भी मेरे लेटेस्ट वीडियो हो आप तक जाएगी थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो